केवल ये बताइए कि जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज का लीपापोती करवा रहा था, सुसाइड की शक्ल दे रहा था, उसको चार घंटे में बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर उसको कहा कि इसको हटाओ, और जब उस प्रिंसिपल के बारे में आपके सीनियर शांतनु ने बोला तो उनको भी आपने हटा दिया, तो ऐसा कौन सा रहस्य और राज वो जानता है? ऐसे कौन लोग थे? अभी तक कहा जा रहा था एक रेपिस्ट है, अब साफ हो रहा है कि मल्टीपल गैंग रेपिस्ट थे, तो वो गैंग रेपिस्ट का क्या कनेक्शन है आपकी पार्टी के साथ जिसकी वजह से आप लोग इतनी बड़ी कवायद बचाने में लगे हुए हैं? व्यवस्थागत तरीके से कवर अप चल रहा है। बोलिए भाई, रैगिंग होता है? अरे रैगिंग नहीं है, ये रेप है। क्या बोल रहे रैगिंग? ये रैगिंग था क्या? ये रैगिंग था? रैगिंग होता है और इसको बंद करो सब मिलके। बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, तब माथा पकड़ लिया। आपको आपको शर्मा रही है? रैगिंग बोल रहे हैं आप, एक रेप और जिसमें आरोप ये लग रहे हैं, परिवार शक जता रहा है कि ये गैंग रेप है, आप उसको रैगिंग की घटना बता रहे हैं? ये आपका नया पॉलिटिकल एजेंडा है क्या? संजय दत्त का नहीं, एक मिनट, बादल देवनाथ, बादल देवनाथ, क्या टीएमसी का ये स्टैंड है कि ये रेप भी नहीं है? मैंने टीएमसी का ये स्टैंड है कि ये रेप भी नहीं है, इसे आप रैगिंग बता रहे हैं? बिल्कुल रेप है, बिल्कुल हत्या हुआ। तो कहां से रैगिंग की बात आ गई? कहां से रैगिंग की बात आ गई? ममता बनर्जी ने अरेस्ट किया। नहीं नहीं, कहां से रैगिंग की बात आ गई? बादल देवनाथ, रैगिंग की बात कहां से आ गई? और कितने सारे सब अरेस्ट। बादल देवनाथ, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, रैगिंग की बात कहां से आ गई? बादल देवनाथ, राजनीति एक बार इनकी आवाज डाउन करिए, ऐसे नहीं सुनेंगे। आवाज डाउन करिए, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। सवाल सुनिए, रैगिंग की बात कहां से आ गई? लेकिन आपका आवाज सामने बुलंद रहेगा। रैगिंग की बात कहां से आ गई? कीजिए, आप तो सब जानते हैं, कीजिए ना। जूनियर डॉक्टर क्यों आंदोलन कर रहा है? शर्म आनी चाहिए बादल देवनाथ। ये कह रहे डॉक्टर आंदोलन क्यों कर रहा है? ये कह रहे डॉक्टर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? रेप को, गैंग रेप को रैगिंग बता रहे। अब मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रही है? क्यों नहीं मांग रही है इनका इस्तीफा? क्यों सेकुलर सन्नाटा है? लारी साहब बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं वरुण जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए बादल जी, जो बातें आप कर रहे हैं इस तरह से बात नहीं होती है। एक चीज, एक कांड हुआ है और बहुत ही घटिया कांड हुआ। सर एक मिनट बात सुनिए, बात सुनिए। ये हुज्जते बंगाल वाले कहानी मेरे साथ ना करिए, ये हुज्जते बंगाल वाली कहानी मेरे साथ ना करिएगा। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उतार दूंगा, ये बता दे रहा हूं। दो मिनट लगेगा, उतार के सब किनारे फेंक दूंगा। बिल्कुल तमीज से बात करिएगा मुझसे। और मेरे बारे में नहीं जानते तो शहजाद भाई ने अभी बताया, समझ के चलिए, बहुत अच्छे लफ्जों में बताया है। ये इस तरह की बकवास की बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये करना बंद करिए। और बैठकर आप टीएमसी की तरफ से बैठे हुए हैं, आप टीएमसी को बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह से बातें नहीं होती हैं सर। प्लीज, यू शुड कंट्रोल, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। आपको अपने पे कंट्रोल होना चाहिए। बादल जी, बादल जी, बादल जी, बादल जी, लारी साहब, लारी साहब वो नहीं मानेंगे, आप अपनी बात करिए, फिर मैं वरुण पुरोहित के पास जाऊंगा। आप बोलिए, आप अपनी बातें करिए, आपको जो बात करनी है करिए, लेकिन इस तरह से बिल्कुल बेसिर पैर की बेतुकी बातें ना करिए। अब वरुण पुरोहित, एक सवाल है आपसे, डिफेंड करिए। वरुण पुरोहित जी, एक सवाल है आपसे, बेतुकी बातें ना करिए। क्या कांग्रेस पार्टी इस स्टैंड के भी साथ है कि ये रैगिंग की घटना थी? राकेश जी, अभी जब बादल देवनाथ ने बोला, पता नहीं कैसे बोला, सब आश्चर्यचकित हो गए हैं, क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं मुझे पता नहीं है। उनको खुद को सोच समझ के बोलना चाहिए, अब नहीं बोल पा रहे हैं तो ममता जी देखेंगे। शहजाद भाई ने भी बताया कि इनको हटाया, हो सकता है इनको हटाया नहीं, हटाया क्यों बोल रहे हैं, इनको पता है इनकी पार्टी का मैटर। लेकिन असली बात आपने जो करी है वो देखने वाली बात है कि पॉलिटिकल, मैंने आपको कहा पॉलिटिकल सोशल पॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन हो गया। हम, मैं तो आपको टीवी पे कह रहा हूँ, मणिपुर की सरकार, बिहार की और बंगाल की सरकार, तीनों सरकारों को तुरंत प्रकार आप से फिर मणिपुर चले गए? नहीं नहीं, वरुण पुरोहित, अभी जब जब मणिपुर बोलना था आप लोगों ने खूब बोला, मीडिया में भी खूब चला, तो सर आज ना तो मैं यूपी सुनना चाहता हूँ और ना तो मणिपुर सुनना चाहता हूँ, ना तो राजस्थान सुनना चाहता हूँ। नहीं तो राजस्थान में आप लोगों की सरकार थी और सरकार में मंत्री तक कहते थे मर्दों का प्रदेश है, तो मैं नहीं जाना चाहता हूं सर। उधर इधर उधर मत जाइए वरना मैं घूमकर फिराऊंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार थी, मर्दों का प्रदेश है, आपकी पार्टी के नेता ने कहा था। शर्माई क्या, बीजेपी की शर्माई क्या, कितना क्राइम बढ़ गया बच्चे? वरुण पुरोहित,
तो मत इधर उधर जाइए। मैं सर नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं नहीं वरुण पुरोहित मैं बिल्कुल चीखना चिल्लाना नहीं चाहता हूं सर। आप बहुत सीनियर आदमी हैं और कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर बात करते हैं, लेकिन सर पार्टी को अपनी डिफेंड करने के लिए इधर उधर जाएंगे तो मेरे पास बहुत सवाल है और वो सबके लिए सवाल है सर। आप मणिपुर जाएंगे, मैं राजस्थान चला जाऊंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आज पश्चिम बंगाल की बात हो रही तो पश्चिम बंगाल की बात करिए, और मजम्मत कर सकते हैं बादल देवनाथ की टीएमसी की तो मजम्मत करिए खुलकर, और नहीं तो बोलिए सर गठबंधन धर्म की मजबूरी है, आगे भी चुनाव होने हैं, हम नहीं बोल सकते ममता बनर्जी के खिलाफ। पूरा इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के आगे नतमस्तक है, ये बोल दीजिए। मैं आपसे एक सवाल नहीं करूंगा। मैं क्यों बोल दूंगा? आप चाहोगे जो आपकी चाहत से थोड़ी बोलूंगा, आप सुनना नहीं चाहते हो बात को। तो सर आपकी चाहत नहीं है फिर ममता बनर्जी के खिलाफ बोलना? मैंने कहा ना पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन उसको जैसे ही बर्खास्त करोगे प्रश्न नहीं उठेगा कि मणिपुर का साथ में क्यों नहीं करते? नहीं, ये बर्खास्त करेंगे कि नहीं करेंगे वरुण पुरोहित? राहुल गांधी प्रियंका गांधी ममता बनर्जी को लेकर एक सिंगल ट्वीट कब करेंगे? एक बयान कब देंगे? विश्वसनीयता हो जाएगी। 24 घंटे उनके आमने सामने अगल बगल मीडिया के लोग रहते हैं। पॉलिटिक्स का जो आरोप लगता है शहजाद भाई की पार्टी पर उसका क्लियरेंस हो जाएगा। बात करते हैं शहजाद, कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि इनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन है। वरुण जी लाख बात कर ले, लाख ये दिखा ले कि पॉलिटिकल लाइन से कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन मणिपुर जरूर जाएंगे, यूपी जरूर जाएंगे, अकेले बंगाल की बात नहीं। वरुण जी की बातों का मैं जवाब सीधे मुंह से देना चाहता हूं, मैं इधर उधर नहीं बात करूं। वरुण जी अगर आप अनुमति दे, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये 10 सेकंड मुझे बोल लेना, आप बोलिए 10 सेकंड उसके बाद मैं बोलूंगा। वो जो प्रियंका गांधी के पीए पे आरोप लगाया यूपी की, वो प्रश्न रह गया था, वो मेरे से राकेश जी ने पूछा। शहजाद भाई को छोड़नी पड़ी कांग्रेस, तो मैंने तो आपको कई बार कहा सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो आप भी छोड़ रहे हैं क्या कांग्रेस? ये तो लड़का आज बोला है शहजाद ने अपनी वजह से छोड़ दी, उन्हें लगा कि शायद आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही है, तो आप भी छोड़ रहे हैं क्या? मैं तो देखो आप मेरा 20 साल का 30 साल का रिकॉर्ड निकालो। चलिए वक्त थोड़ा कम है, शहजाद का जवाब हो जाए, रुक जाइए। सबसे पहले वरुण भाई, यदि ये लड़के ने आरोप गलत लगाया कांग्रेस के नेतृत्व पे तो अभी तक उसको हटा देते लात मार के कि ये झूठा आरोप है। आरोप पे हटाया नहीं है, हटा नहीं सकते क्योंकि आरोप सही होंगे। दूसरी बात सर, मणिपुर पर पार्लियामेंट तक में चर्चा हुई और आपने केंद्र के खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस लाया, मणिपुर की सरकार के खिलाफ कांग्रेस की विपक्ष की वहां पे पार्टी है, लाया नो कॉन्फिडेंस? नहीं लाया। इसलिए मैं कहता हूं आज बंगाल पे चर्चा हो रही है और बंगाल पे एक जो शब्द बोला है बादल देवनाथ ममता जी के बहुत क्लोज है, वो रैगिंग बोल रहे हैं। मतलब देखिए अभी तक सुसाइड, साइकोटिक, फिर 1% रेप, गैंगरेप भी नहीं कहा, और अब कैसे टीवी पे नया नैरेटिव शुरू हो गया रैगिंग। इसलिए मैं प्रियंका वाड्रा, क्योंकि मुझे पता है वरुण पुरोहित जी की बातें सुनते हैं, प्रियंका वाड्रा जी कुछ तो बोलिए। वरुण पुरोहित जी यहां पे बोल रहे, तारिक जी के आंसू निकल गए पर अखिलेश जी बोलने को तैयार नहीं, बताइए ये गजब का गठबंधन है। कन्वीनियंट साइलेंस है, सेक्युलर सन्नाटा है। मैं कन्नौज पे नहीं बोलूंगा, तू कर्नाटका पे मत बोल, मैं कोलकाता पे नहीं बोलूंगा, ये चल रहा है इनका। ठीक 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 बादल देवनाथ, एक बात कहते हुए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सर थोड़ा सा आईने में जाकर अपना चेहरा एक बार आज जरूर देख लीजिएगा कि क्या सोचकर आप रैगिंग का नैरेटिव लेकर आए और क्या सोचकर